वसीम, पूरा नाम क्या है? वसीम मंजूर। मंजूर, क्या उम्र आपकी? 30। वसीम, मैंने आपका फॉर्म पढ़ा है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने की, बिकॉज यू कुड बी अ पोटेंशियल रेपिस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एक सवाल पूछा गया है फॉर्म में कि क्या आप इन दो चॉइसेस में से क्या चूज करते हैं, नो सेक्स एवर, जिंदगी में कभी सेक्स नहीं, या रेपिंग समवन। आपने चूज किया कि यार मैं रेप कर लूंगा क्योंकि सेक्स के बिना तो मैं रह नहीं सकता। ऑब्वियसली सर, मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो जिसका रेप करेंगे वो क्या होगा, मतलब गधे का रेप करेंगे, गधी का? सर मानता हूँ उस बात को, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ जो होगी, जो मुझसे होगी। एक आइलैंड पे अगर खुदा ना खास्ता हम आपको रोडीज पे ले जाते हैं अभी, और एक बोट में हम जा रहे हैं एक आइलैंड जहाँ पे एक टास्क करेंगे। एक बोट पे आप है, नेहा मैम है और कुछ और दो तीन लड़की हैं, और उसके बाद हम लोग की बोट पहुँचते नहीं है। आप स्टैंडर्ड हैं एक आइलैंड पे 7-8 दिन से, तो पोटेंशियल तो रेपिस्ट हुए ना आप? 8 दिन से कुछ नहीं होगा सर। तो कितने दिनों से होगा? मे बी मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर। हाँ, तो 1-2 साल के बाद पोटेंशियल आप में है कि आप रेप कर सकते हैं। Obviously, sir, किसी भी लड़के का होगा। You are speaking for all the men. You know, Vaseem, ऐसे ना, ऐसे हमारे यहाँ कम से कम हजारों फॉर्म आए हैं। इस सवाल का जवाब हर एक इंसान ने कहा है, नो आई विल नॉट रेप। अच्छा, अगर मैं आपकी बहन के साथ स्ट्रैंडेड हो जाता हूँ किसी आइलैंड में, जवाब से तो यही है ना कि 1-1.5 साल पर तो मैं कुछ भी कर दूंगा। हाँ या ना में जवाब दो। सही, बहुत, टू बी ऑनेस्ट सर, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तेरा दिमाग खराब है, कहां से आया तू? तू बोल रहा है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या तू रेप करेगा 2-2.5 साल के बाद? थप्पड़ पड़ेगा ना एक। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, मैं एक लड़की के बारे में सोचा। और तो वो किसी की बहन नहीं है, और लड़की किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है। मैम, मैं एक लड़के के हिसाब से सोच रहा हूँ। एक लड़का अगर 2 साल किसी लड़की के साथ किसी भी जगह 3-4-5 साल के लिए बंद हो जाता है, तो ऑब्वियसली मैम वो उस सिचुएशन में पड़ जाएगा। वो ह्यूमन बीइंग, हमारा सिस्टम ही वैसा है। यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस, सो इट्स जस्टिफाइड अगर आपकी बहन एक स्कूल ट्रिप के लिए जाती है? आप तो, आपका जो सब्र का जो बांध है वो 1 साल बाद टूटता है। कई लड़कों का आपके हिसाब से 7 दिन भी हो सकता है। हो सकता है वो और एक लड़का जंगल में घूम गए, 15 दिन हो गए। इट्स ओके फॉर द गाय टू रेप योर सिस्टर? आई एम थिंकिंग अबाउट इट। पागल। नो, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। आई वांट टू स्लैप हिम। दिस इजंट योर फैंटेसी, समझ रहे हैं आप? यहाँ आके बोल रहे हैं कि मैं ऑनेस्ट हूँ, कन्फेशन कर रहे हैं यहाँ आके, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हमें बता के कि 2 साल के बाद आप शायद किसी का रेप कर दें। शेम ऑन यू। यार तेरे फॉर्म में ना इतनी चीजें, इतनी बकवास लिखी हुई है ना कि यार अगर तो हम ये शुरू करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। छोड़ो यार, भगाओ इसको। तू जा यार, जा तू यार, तू जा। गेट आउट। थैंक यू। थैंक यू बोल रहे हो। नेक्स्ट। आओ, 2-2 हाथ हो जाएं। यदि अगले कंटेस्टेंट का फॉर्म पढ़कर गैंग लीडर्स भी हैरान हुए कि किसने सुशील कुमार को 2-2 हाथ करने के लिए चैलेंज किया है। नाम बड़े दर्शन छोटे। ओह शिट, व्हाट्स योर नेम? साध चौधरी। मेरे से 2-2 हाथ क्यों करना चाहता है? हाँ यार,
दो दो हाथ मतलब शेक हैंड करना चाहता हूँ। मैं पूरी तैयारी से बैठा था यार। अरे सर वैसे नहीं, मैं कहाँ आप कहाँ। तभी हम हंस रहे थे। और दोस्त तो पुराना कहते चल भाई दोबारा दो दो हाथ करते हैं। नहीं 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 सर ऐसा 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 नहीं है। दो दो हाथ मतलब हाथ मिलाना, वो कहने कहने का अपना तरीका होता है। आ जा पहले दो दो हाथ कर ले। आ जा आ जा हाथ मिला ले। दो दो हाथ में हाथ मिला। जूते उतार दो, रिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अरे बैठ जा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आराम से चुस्के ले लेके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड। हाथ नीचे रख, हाथ नीचे रख। Twinkle, twinkle, बड़ा अच्छा था। Like a diamond in the star. Oh ho! कौन कर रहा है बीच बीच में, कौन कर रहा है? क्या कर रहा है यार करण, तूने तो एक्सीलेटर दबा के रखा है। अच्छा खड़े हो जाए। आपने बोला कि आप कुछ टैलेंट है, कोई टैलेंट नहीं है, जो ऑन द स्पॉट। चलो 30 सेकंड्स आपके पास, ऑन द स्पॉट कुछ भी कर दो। 3, 2, 1 गो। किस कदर नफरत है मुझे उस जलील कुत्ते से। तो मैं चाहता हूँ सर आप मुझे सिलेक्ट करें, मैं काफी एंटरटेनिंग हूँ, बिल्कुल एंटरटेन करूंगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा। ये तो एक साथ टेक अ ब्रेथ इन द मिडिल। मैंने सुना ये फिर भी अभी आपकी एक्ट चल रही थी। नहीं वो चल रही है, ये भी एक्ट ही है। मैं बोर नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी आपको, जोक्स कुछ भी ऑन द स्पॉट में, टैलेंट कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको सोने नहीं दूंगा। मैं चलाऊंगा गाड़ी, कुछ भी करूंगा, बातें करूंगा, आप सोने नहीं दें। स्ट्रॉन्ग कितना है तू? स्ट्रॉन्ग की वही बात आ गई कि मैंने शायद पूरे नहीं लिखे होंगे उसमें। स्ट्रॉन्ग में वो है कि आप कराओगे वन हैंड करो, वन लेग करो, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। बट एक चीज बट एक चीज होती है कि जैसे कहीं लड़ाई होती है, जैसे आप भी सर डीयू में पड़े हैं, जैसे लड़ाई वड़ाई होती है कहीं गाई, अबे क्या बोल रहा था, उसे आंखों में आके देखो तो आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। उसमें सिर्फ पूरे आपको बॉडी नहीं चाहिए, एक ना बाइसेप्स निकले, प्रोटीन खा के इधर से टैटू आधा निकला हुआ, उधर से ऊपर दो, इधर से कर निकले हुए, ऐसा जरूरी नहीं, गूदा भी होना चाहिए। तो मुझमें वो 8.5 उसके हैं, 9 दिए हैं, सो गूदा है, बट वो उसके हैं, वन हैंड और वन लेग के काट दिए मैंने। वेरी नाइस। मैं आपके लिए दो बोलना चाहूंगा कुछ। मैम के पास जाना चाहेगा? नहीं नहीं मैम को मैं बोलूँ काफी प्यार करता हूँ। लाइक हर। प्यार करता है? प्यार बहुत बड़ा शब्द है भाई। नहीं नहीं लाइक हर बोलो। लाइक पे आ गया ब्रैकेट में। लाइक छोटी है जैसे बहुत एज में मैम? छोटी है? कोई नहीं चलेंगी मुझे, मैं एडजस्ट कर लूंगा। आप एडजस्ट करेंगे मेरे को अपनी जिंदगी में, ये आपने कैसे बोल दिया? इसको बोलते गुर्दा। यही होता गुर्दा। एडजस्ट कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पास आ जाऊंगा। बिल्कुल। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, हाय नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जहां, जब तक है जहां। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का यूं रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिरना देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जहां, जब तक है जहां। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, तेरा बेपरवाह ऐसे भूलने से, नहीं भूलूंगा मैं। इसमें करंट है क्या? जब तक जब तक है जहां, जब तक है जहां। क्या बात है, इतना प्यार इन ब्रैकेट लाइक मैंने आज तक किसी में नहीं देखा मेरे लिए। तो भाई तू बेसिकली मैम की गैंग में आना चाहता है? नहीं मैं रोडीज X4 में आना चाहता हूँ। यार स्टॉप साइन की वजह
अब हमारे पास 10 सेकंड है।